से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और नामांकन के लिए अखिलेश यादव लखनऊ से कन्नौज के लिए रवाना हो गए हैं, जिसके बाद वो जिला कार्यालय पहुंचेंगे, यहां से समर्थकों के साथ कलेक्टर तक जाएंगे। दोपहर करीब 12 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कन्नौज सीट पर सपा मुखिया का नाम कंफर्म होते ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। उनके समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ कलेक्टर पहुंच रहे हैं। वहीं राम गोपाल यादव कन्नौज पहुंच गए हैं। शिवपाल यादव थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं और करीब 1.5 घंटे बाद अखिलेश यादव अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं अखिलेश के नामांकन को लेकर जिला कार्यालय को फूलों और गुब्बारों से पूरी तरीके से सजा दिया है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं वहां पर अखिलेश यादव के स्वागत के लिए और सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां चाक चौबंद कर ली हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर गुब्बारों और फूलों से सजावट की गई है और अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे, समर्थकों के साथ कलेक्टर तक जाएंगे अखिलेश यादव। तो कन्नौज की तस्वीरें, सपा मुखिया अखिलेश यादव आज नामांकन करेंगे और सपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ ही देर में अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। आज करेंगे नामांकन, 1 बजे नामांकन करेंगे और अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से वहाँ से जीतेंगे। और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा चलेगा और सब सीटें आसपास की सब जीतेंगे। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे, हर वक्त कन्नौज एक नया इतिहास लिखता है, नया इतिहास लिखा जाएगा। तो देखिए, अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीते, सिंपल भी कई बार जीते और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है, इन्होंने दुकानदारों को पीटा, कई लोगों से इन्होंने दुर्व्यवहार किया। तो ये तो देख लेना, सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं। सुब्रत पाठक ने एक बार चैलेंज किया था कि अखिलेश यादव में दम हो तो यहाँ जाके चुनाव लड़े, अब अखिलेश जी मैदान में उतर चुके हैं। तो मैदान में उतर चुके और अखिलेश यादव बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे।